उसके बाद तो फिर लपसना जाना था हमें ट्रेनिंग के लिए, और लपसना में फिर वही स्ट्रेटजी वाली बात कहूँगा कि क्योंकि मुझे पता था कि लपसना के जो मार्क्स हैं उससे सिर्फ मेरी सीनियोरिटी में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा और अदरवाइज़ उसका कोई बहुत मीनिंग नहीं होगा मेरे कैरियर में। तो मैंने जानबूझ के कही या जो भी कही है, कभी लपसना में पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया पूरी ट्रेनिंग के दौरान, और सिर्फ दोस्तों से बातें करना, दोस्त बनाना, जाना, घूमना वगैरह वगैरह। और मेरी रैंक जो 5वीं रैंक थी, जब ट्रेनिंग के बाद मैं निकला तो शायद वो 40-42 पे पहुंच गई थी ट्रेनिंग के मार्क्स जोड़ के, जिसका मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। और ट्रेनिंग बट जो चीज़ मैंने पूरी तरह से एंजॉय की वो लपसना का पूरा फुल एक्सपीरियंस मैंने लिया, और अपने बैचमेट्स के साथ चाहे वो घूमना हो या ट्रैकिंग पे जाना हो। और एक मेरी और आदत आईआईटी में, अगर आप लोगों को पता हो आईआईटी कानपुर का कल्चर जो है वो हमेशा चप्पल झोले वो वाला कल्चर रहा है, तो क्योंकि मैं 7-8 साल आईआईटी कानपुर रहा था तो मुझे जूता पहनने की आदत मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मैं चप्पल ही पहनता था, और बल्कि कुर्ता पजामा ही पहनता था, पैंट शर्ट भी नहीं पहनता था, क्योंकि वहाँ क्लास में लोग शॉर्ट्स में भी जा सकते हैं और जीन्स में भी जा सकते हैं, कुर्ते पजामे में भी जा सकते हैं। तो इनफैक्ट जब मैं इंटरव्यू के लिए, मेरा एक दोस्त टाई पहन रहा था तो मैंने उससे कहा कि कभी कभी तुम टाई पहन रहे होगे जीवन में, तुमने पहली या दूसरी बार ही टाई पहनी होगी। तो उसने कहा मेरा तो ठीक है, तुमने तो पैंट शर्ट भी पहली दूसरी बार ही इंटरव्यू के लिए पहना होगा। लेकिन वो चीज़ जो एकेडमी जब मैं गया तो वहाँ जूते पहनने की बड़ी वो थी, तो वो उसमें मुझे काफ़ी कष्ट हुआ और बीच में पैर में समस्या भी हो गई, तो उसके बाद से फिर मैं चप्पल ही वहाँ पहनता था, और कई बार मुझे लोग चप्पल कुमार भी कह देते थे मजाक मजाक में। तो एकेडमी में लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी फॉर्मल होना, ऑफिसर लाइक होना काफ़ी सीखा, और वहाँ पे मेरी ग्रूमिंग हुई बहुत अच्छी मैं कहूँगा। भले ही मेरे मार्क्स अच्छे ना आए हों लेकिन ट्रेनिंग को मैंने बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैं सीखना चाहता था, जो मुझे लगता था प्रैक्टिकली यूज़फुल हैं, वो मैंने ज़रूर सीखी। तो आई वॉज स्ट्रेटजिक इन लर्निंग बट आई वॉज स्ट्रेटजिक ऑल्सो इन नॉट गेनिंग एनी मार्क्स और नॉट फोकसिंग ऑन दैट। एंड देन आई वेंट फॉर अ डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, जहाँ पे मेरे कलेक्टर जो थे, आई वुड रेट हिम एज वन लाइक द बेस्ट आईएएस ऑफिसर इन द कंट्री, अब तो वो रिटायर हो गए। उन्होंने मुझे इतना सिखाया जितना मुझे नहीं लगता कि उसके बाद के करियर में मैंने इतना सीखा उस एक वर्ष के पीरियड में जो मेरी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग थी, उसमें मैंने बहुत सीखा और बहुत समझा। मैं बांदा, मैं वापस बुंदेलखंड से मेरी जर्नी शुरू हुई, तो मैं वापस बुंदेलखंड बांदा में ही मैं प्रोबेशनर था, और बांदा बहुत ही गरीब जिला था उत्तर प्रदेश का, बुंदेलखंड का, तो मुझे बहुत वहाँ सीखने को मिला। और एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने अपने बेटे को भी यही सिखाया है और सब लोगों के लिए जो अगली जनरेशन है, मैं 4 लर्निंग्स बहुत कहता हूँ, बेसिक लर्निंग जो हर ऑपरेटिंग सिस्टम आप में ये लर्निंग होनी चाहिए, आपकी फाउंडेशनल लर्निंग है जिस पे सारी चीज़ें बिल्ड होती हैं। सबसे पहले वी मस्ट नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइफ, कि कुछ भी कितनी भी फेल्योर्स हो, कितना भी जीवन में लो हो, नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। एंड इसके अलावा इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइफ से ये भी आता है कि योर लाइफ इज़ लिमिटेड, योर टाइम इज़ लिमिटेड, तो डोंट वेस्ट टाइम। सेकेंड इज़ पर्पज़ ऑफ लाइफ, कि जीवन में आप करना क्या चाहते हैं। जैसे भाई जब आप कहीं भी जाने के लिए तय करते हैं तो उसी हिसाब से रास्ता चूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप किसी रास्ते पे निकल पड़ते हैं और फिर तय करते हैं कि कहाँ जाना है। तो क्या अगर हम UPSC दे रहे हैं तो क्या हमारे लाइफ के पर्पस से अलाइंड है वो या नहीं। और लाइफ का पर्पस कैन बी हैप्पीनेस, इट कैन बी पावर, इट कैन बी फेम, इट कैन बी मनी, इट कैन बी हैप्पीनेस, इट कैन बी ऑल्ट्रुइज्म, इट कैन बी रिलेशनशिप्स, खैर एनीवे। द सेकंड इज पर्पस ऑफ लाइफ, वन शुड ऑलवेज कीप एक्सप्लोरिंग, कि हम जीवन में एक ही जीवन मिला है हमें, उसमें क्या चाहते हैं। एंड थर्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज द क्यूरियोसिटी टू लर्न। ये चीज़ जो मैं जिसमें अपने आप को सबसे स्ट्रांग पाता हूँ, कि मुझमें एक अभी भी जिज्ञासा बहुत है। तो उस समय जब मैं जिले में गया तो
इतनी क्यूरियोसिटी थी कि मैं जिस भी विभाग में जाता था उस विभाग के बारे में सारी चीज़ें समझने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती थी। और मेरे पास अभी भी अपनी प्रोबेशन की डायरी होगी जिसमें मैंने सारी चीज़ें नोट करता था, उनका स्ट्रक्चर, उनके बजट, उनके लॉज, उनके सारी चीज़ें। और चौथी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है विल पावर। अगर आपके अंदर विल पावर नहीं है तो बाकी तीन चीज़ें होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये चार चीज़ें मैं हमेशा, और जो तीसरी चीज़ है क्यूरियोसिटी, जिसमें सीखना है, उसमें सीखते सीखते जो लर्निंग्स बहुत सारी आपकी आ जाती हैं, और उसमें सबसे बड़ी लर्निंग यही होती है कि नेवर गिव अप। दूसरी लर्निंग ये भी है कि यू शुड मूव ऑन ऑल्सो। तो वो बुद्धा का मिडिल पाथ भी है कि जब भी आप कोई चीज़ देखते हैं तो दोनों एक्सट्रीम गड़बड़ होते हैं, मैक्सिमा जो होता है वो कहीं बीच में होता है। तो मैं जिले में जब ट्रेनिंग में था तो मैंने काफ़ी सीखा।